हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा बेस्ट है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है फिल्मोरा गो। तो मैं इसकी सर्च कर लेता हूँ, तो ये आ गया। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसमें वाटरमार्क भी नहीं कोई आता, लास्ट में आता है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको ठीक करना है। और इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट की है कि आप फ़ोन के लिए भी बनाओ, तो मैंने इसलिए फ़ोन के लिए बनाई है। ये तो मैंने कंप्यूटर में बनाई थी, कंप्यूटर में कैसे व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं। तो चलिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया दूंगा इसमें से कि कैसे व्हाट्सएप स्टेटस आप बना सकते हैं। तो बाकी आपका दिमाग है, आप लगा के कुछ बेटर कर सकते हो। इसमें मैं बताऊँगा कि वीडियो से कैसे ऊपर रिकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, गौर करना जरूरी इस वीडियो पे। तो यस, ये ओपन होता है क्रिएटिव न्यू वीडियो, तो ऐसे आ जाएगा फोटो। आपको वीडियो भी बनाना, तो आप सबसे पहले वीडियो ढूंढना आपकी जिसके ऊपर आपने टाइपिंग करनी है। तो इससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा जैसे स्टिकर कैसे लगा के आपको वीडियो में एडिट करना है। अभी फिलहाल ऐसे ही है, इजी है ये वाला। तो जैसे ये मैंने वीडियो इसमें आ गई, तो क्लिप काट लेते हैं जहाँ तक आपको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक ही रखना, उससे ज़्यादा रखोगे आपको कॉपीराइट क्लेम भी आ जाएगा कुछ यूट्यूब के हैं ऐसे अलग। तो मैं 30 सेकंड तक रख लिए, और यहाँ प्लस पे दबाना है तो इधर आ जाएगा क्लिप, तो नेक्स्ट कर देना ऊपर से। तो ये सब ओके ओके कर देना। इसमें आसान तरीके से आपको बताऊंगा, बाकी इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप एडिटिंग। तो ये वीडियो मैंने काट ली, मैं इसकी वॉल्यूम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी इस सॉन्ग का कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैंने इसको म्यूट ही रखा। लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे एडिट हुई है प्ले करके, ठीक है। तो जैसे एडिट पे गए हम, तो हम सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं वीडियो को। मुझे थोड़ी सी वीडियो शुरू से लेनी थी, यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ क्रॉप लिखना है, इसे दबाकर हम अब क्रॉप कर लेंगे वीडियो को, दो फिंगर के साथ उसको खींचना, तो ये उस साइज में हो जाएगी। जितना आपको क्लोज करना है उतना कर सकते हो, और फिर ओके पे क्लिक कर दो। तो अब हमें जाना है सब टाइटल में, यहाँ से हमने वर्डिंग टाइप करनी है। तो इतना आसान भी नहीं है ये सब कुछ करना, फिर भी आप ट्राई ज़रूर करना। 3-4 बार ख़राब करोगे सॉन्ग, ठीक तो हो गई। मैं भी शुरू से ऐसे ही इसी सॉफ्टवेयर से शुरू किया था, तो ऐसे प्लस पे किया तो एक लेयर आ जाएगी। पहले आप गौर से गाना सुन लेना, जो भी सॉन्ग पे बना रहे हो सॉन्ग पहले सुन लेना, तो फिर उसकी जहाँ तक आपको बनानी है सॉन्ग की लाइन, वहाँ तक ये जो निशान है दो डॉट्स, उनको खींच के वहाँ तक कर देना जहाँ से शुरू होगा वो लाइन सॉन्ग की। तो जैसे न्यू टैब है, तो मैं इसमें जो सॉन्ग का है पंजाबी सॉन्ग है, आपको यूँ पंजाबी सॉन्ग ही मैंने चूज़ किया, तो मैं ये टाइप कर देता हूँ जो सॉन्ग के लिरिक्स हैं। इसमें से फॉन्ट भी आप चूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी से कोई भी, और यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। 3-4 आपको दिक्कत बहुत आएगी इस जो दो बिंदु है ना, इसको समझने में दो, ध्यान से समझना, ये वहाँ तक है, यहाँ तक आपका एक लाइन चलेगी वहाँ से वहाँ तक, तो इसका ध्यान रखना। तो अभी ऐसे मैं सब सेटिंग करके बिता देता हूँ। ये देखो यहाँ साइड में वो जो आ रहे हैं ना, उसमें से आप फॉन्ट का थीम भी चेंज कर सकते हो, कैसे वो आगे आएगा पीछे आएगा साइड से जाएगा। ये देखो जैसे टाइपर फ्लैश सबके नाम, तो प्लस पे दबाकर एक नई लेयर आ जाएगी जो अगले सॉन्ग के लिए है। ये देखो ऐसे दूसरी, ऐसे ही हर एक लेयर को सेट करते जाना आगे आगे।
हर एक लेयर पे ऐसे ही आगे के सेट करते रहना बस आपने। दिक्कत आपको लगेगी शुरू से अगर आप न्यू हैं इस काम में। ये फिल्मोरा गो सॉफ्टवेयर है, मैंने वंडर शेयर फिल्मोरा का कंप्यूटर से बनाया था वीडियो, तो वहाँ पे कमेंट आए कि हमें फ़ोन पे बनाने वाला भी एक आप सॉफ्टवेयर बताओ, तो मैंने यही किया। ये भी अच्छा है, इसलिए किया क्योंकि ये फ्री है, इसमें लोगों नहीं आता, तो इसलिए आप सबको ये मैं शेयर करूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो मुझे स्टिकर वाली भी बना जो साइड पे कार्टून राइटर उधर आते हैं उसके लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊँगा, बहुत अच्छा है। तो तब तक के लिए इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये जैसे मैं इसको यहाँ पे रखना है सब कुछ, उसके लिपसिंग के हिसाब से उसको लिरिक्स को सेट करना है, थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। तो ऐसे आप नई लाइंस के लिए प्लस करते जाओगे तो फिर नई लेयर आ जाएगी, फिर उसको अगली लाइन के लिए आप सेलेक्ट कर लेना जो भी उसने बोलनी है। इसमें आप स्माइली वगैरह भी लगा सकते हो, नीचे आपके फ़ोन में होगी जैसी भी साथ में। मेरा परछामा बंडी, तो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं इस वीडियो को। ये देखो मैं साथ साथ में सारी लेयर्स बनाते जा रहा हूँ। उसका फॉन्ट भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। ये बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप इससे बेटर बना सकते हो आराम से। मैंने जस्ट ये वीडियो थोड़ी सी बनाई है कि आपको एक आइडिया दे दूँ कैसे बनता है। कि आप समझदार हो तो जरूर इस चीज को आप कर लोगे सही से। और याद रखना 30 सेकंड से ज्यादा मत बनाना, नहीं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आता जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा ये कुछ करने का अगर आप YouTube पे डालना चाहते हो तो। तो ये मैंने पूरा कर लिया है। जब आप पूरा कर लोगे एक बार शुरू से प्ले करके देख लेना, जहाँ जहाँ आपको कमी लगी वहाँ वहाँ फिर से एडिट करना शुरू कर देना। 10-15 मिनट तो लगेंगे ये आपको एडिट करते करते। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया सारा। तो अब इसमें अपना जैसे नाम देना हो कि सब्सक्राइब माय चैनल या कुछ भी, वो भी आप इसमें कर सकते हो। इससे पहले मैं वो कर दूँ, अपनी मर्जी से कलर वगैरह भी पीछे चेंज कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ आपको वही बताता हूँ। ओवरलैपिंग लेयर है, ये सब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें, वो सब कुछ फ्री में है। तो ये देखो ऐसे, ये मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादातर ये वीडियो मैं अपनी देता हूँ। मेरा भी एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं स्टेटस ही डालता हूँ रोहित वोरा नाम से, और ये मैंने डाल दिया। अब मैं फिर से सबटाइटल में जाऊँगा, कुछ अपना लोगो, फिर से प्लस दबाऊँगा और यहाँ पे आप जो भी लिखें सब्सक्राइब, अपनी चैनल का नाम, अपना नाम, कुछ भी अपना टाइटल देना, तो छोटा सा लोगो नीचे लगा देना। और फॉन्ट इसका पतले से पतला रखना क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट ना हो। छोटा कर लेना जितना हो सके, मुझे अभी भी ये बड़ा लग रहा है, फॉन्ट थोड़ा पतला करना पड़ेगा शायद। बहुत सारे फॉन्ट हैं, अपनी मर्जी से कर लेना। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे आप कोई अपना छोटी सी फोटो भी लगा सकते हो, तो कुछ भी लगा सकते हो लोग, तो ऐसे ये प्ले हो जाएगा। इसको पूरी बिंदी को इधर से उधर कर देना, ये फिर पूरे पे ये सब्सक्राइब बटन आएगा, तो साथ में आपके बहुत दूसरे लिरिक्स भी चलते हैं।
चलो आगे बढ़ता हूँ, आपको सुना देता हूँ सॉन्ग। तो ये मुरत, तो ये मेरा पूरा सेट हो गया सॉन्ग के हिसाब से। जैसे आप हिंदी पंजाबी जैसा मर्जी सॉन्ग कर सकते हो। तो सेव करने सबसे ऊपर, ये सेव हो रहा है। ये लास्ट में ये लोगो आता है जो पीछे व्हाइट कलर का आ रहा है, तो इसमें सेव टू कैमरा रोल में आप क्लिक कर देते हैं। तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। ये वाली वीडियो में इसको प्ले करता हूँ। तू तड़प दी जान लई अड़िया जैसा बन जांदा, तेनु खोंदी ना किते काश मेरा परछावां बन जांदा। तू तड़प दी जान लई अड़िया जैसा बन जांदा, तेनु खोंदी ना किते काश मेरा परछावां बन। इसका भी मैं बताता हूँ यूट्यूब पे कैसे अपलोड करना है इस लोगो को ख़त्म करने के लिए। तो फ़ोन पे ही अपलोड करोगे वहाँ से, और सबसे पहले वाला नीचे हमारा सॉन्ग जो अभी एडिट किया हमने उसको क्लिक करता हूँ, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। वो ब्लू लाइन देख रहे हो वो सॉन्ग है, तो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हो। तो मैं इसका लोगो तक वाला हिस्सा काट दूँगा यहाँ से, वो सिंपल है। तो ऐसे मैंने वो लोगो वाला हिस्सा काट दिया। तो अब आप इसको अपने यूट्यूब पे बेफिक्र होकर अपलोड कर सकते हो बिना लोगो के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर करना और शेयर करना। थैंक यू।